तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं सलवार, सिंपल सलवार है। इस सलवार पे नीचे से कपड़े पे बॉर्डर आया हुआ है। तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल निक्की बुटीक एंड ब्लॉग में। तो हम बुटीक पे आ चुके हैं और मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ 1 बजे से, क्योंकि सुबह से हम बिजी हो रखे हैं, कटिंग वगैरह कर रहे थे। तो ये प्रिया आज अपने चेक वाले सूट की कटिंग कर रही है, ये देखिए। तो देखते हैं, आजकल चेक का ट्रेंड बहुत चला हुआ है, तो चेक में हमने बहुत सारे सूट भी ले रखे हैं। और सेम नहीं है, सब एक जैसी है, अलग अलग है। कौन है सेम? ये तेरे का है? ये देखो, ये तो अपना ही कपड़ा भूल गई, ये किसका कपड़ा है? और ये देखिए क्या बिखेर रखा है यहाँ सारा, पूरा बुटीक झाड़ू मार दिया है। ये दिन भर इतना ही तो होगा कूड़ा कबाड़ा, वही तो अभी। और ये है पूजा रानी, पूजा मैडम आने का नाम ले रही थी भी, फिर आ गई है। इसको तो बहुत मुश्किल से बुलाना पड़ रहा है, इस पे घूंड लग रहे हैं अंदर ही अंदर बैठ गए। ओ तो बोलिए फिर, ठंडा नहीं हो रहा है? ठंडा बहुत हो रहा है ना, खाओ पियो सो जाओ। और सोनी अपना सूट सिल रही है, वो भी चेक वाला ही सिल रही है। और अब इन लोगों की जाने की तैयारी है, तो चलिए आप बने रहिए, अभी आपको देखते हैं क्या सिखाते हैं आज हम। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं सलवार, सिंपल सलवार है। इस सलवार पे नीचे से कपड़े पे बॉर्डर आया हुआ है, तो उस बॉर्डर को हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसकी कटिंग है। तो वो प्लाजो वाला सलवार, क्योंकि प्लाजो ही अच्छी बनेगी, और उन्होंने हम बोला है कि हम बोले सलवार बनाना। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से इसे रख के किस तरह से बन कटिंग करेंगे। तो इस तरह का ये कपड़ा है, नीचे से लगे हैं बॉर्डर। पर पहले मैंने इसकी कटिंग करने वाली थी, फिर मेरे समझ में आया कुछ और तरीके से कटिंग की जाए, तो हम इसको इस तरह से कटिंग करें। इसके 2 पल्ले हैं, इन दोनों पल्लों को इस तरह से रख के कपड़े को अच्छी तरह से बिछा देंगे, क्योंकि एक बार अगर गलती हो गई तो फिर गलती सुधारी नहीं जाएगी। कपड़े के मान लेंगे, ये कपड़े बिछाने के बाद जितनी हमारी लंबाई है उसमें से 6 इंच खोलने के बाद ये दोनों पल्ले निकाल लेंगे। तो 39 हमारी लंबाई है, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम इधर से रख के अब इसके साइड के पल्ले काट लेंगे। जैसे हम 4 कली वाली कट सलवार काटते हैं उसी तरह से काटना है। तो ये नीचे से हम 7 इंच की मोरी है, तो हम 8 इंच रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। और ये 17 इंच का आसन इधर, अब इसको 17 इंच इस तरह से कटिंग कर। ये भी 4 कली का बनेगा, वो जो आगे के पल्ले हैं वो चौड़े बनेंगे। फिर इसी तरह से हम 2 कलियां और कट कर बेल्ट कटिंग सेम जैसे और बेल्ट कटिंग करते हैं। 9 इंच
तो दोस्तों मैं घर पर आ चुकी हूँ और वीडियो का एंड में कर नहीं पाई क्योंकि बुटीक पे आ गए थे कस्टमर और बिल्कुल दिमाग से उतर गया कि वीडियो का एंड तो किया नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।